हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहता हूं, हमारे नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है उससे संबंधित, लेकिन कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा हूं। और कल मैंने जो वीडियो डाला वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, और आपने कहा सर ये एक अलग ही वीडियो था, हमने ये रूप आपका कभी देखा ही नहीं। तो दोस्तों, घर में काम थोड़ा बहुत मैं करा लेता हूँ, ऐसा नहीं है आपके सर सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं और बाहर का काम करते हैं, घर का भी काम कर लेता हूँ। जैसे कल का रूम जमाया, अब आज का रूम जमाऊंगा, और साथ में आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनके भी मैं आंसर देता चलूंगा, तो इससे क्या रहेगा कि आपकी भी भागीदारी हो जाएगी ये रूम जमाने में। तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखते चलें कि आपको क्या अच्छा लगा। खैर, क्वेश्चन है वो मैं आपको आज बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन जिसका मैं आंसर आज देने वाला हूं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या? सर, निरस्त आदेश के बारे में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पर एक आदेश डला है, आपने उसकी सूचना नहीं दी। सूचना इसलिए नहीं दी कि न्यूज़पेपर में आ गया था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया था, और 26 तारीख को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर भी एक आदेश जारी हुआ है कि ना तो ये परीक्षा निरस्त होगी और ना डेट्स आगे बढ़ेंगी। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अभी तक कन्फ्यूजन में है कि हम पढ़ाई जारी रखें कि नहीं रखें। तो दोस्तों, पढ़ाई तो आपको जारी रखनी है, क्योंकि ये ना तो डेट आगे बढ़नी, क्योंकि डेट आगे क्यों नहीं बढ़नी है दोस्तों, क्योंकि बहुत से एग्जाम होने वाले हैं विभिन्न विभागों में जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, और वो भी ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। जैसे आपके बैंकिंग के लेकर देख लो, बैंकिंग के जनवरी में होंगे मेंस, प्री आपके दिसंबर में होंगे, 9 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है, और जनवरी में आपके मेंस हो, तो वो भी ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं। उसके अलावा आपके ये भी ऑनलाइन हो रहे हैं टीचिंग के, तो डेट क्लैश ना हो जाए या किसी का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बैंकिंग का भी भरा है और आपका इसका भी भरा है नियमित शिक्षक भर्ती का, तो ये डेट्स आगे नहीं बढ़नी। तो उस आदेश में यही कहा गया है कि ये डेट्स आगे नहीं बढ़ेंगी, जो अभी डेट्स हैं वही रहेंगी, और जो आपके एग्जाम है वो भी कैंसिल नहीं होने। उन्होंने खंडन किया कि जो भी झूठी या न्यूज़ फैलाई जा रही है उन पर कोई विश्वास न करे, और वो न्यूज़ वाकई में काफ़ी दूर तक फैल गई थी दोस्तों, बहुत से लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच चुकी थी, इसलिए हमारे जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसे भी उस न्यूज़ का खंडन करना पड़ा। नहीं तो जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो कभी खंडन नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ इतने बड़े स्तर तक चली गई थी कि ये परीक्षा निरस्त हो रही है या डेट्स आगे बढ़ रही, तो दोनों ही उसमें। और वो न्यूज़ की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें डॉट्स बने हुए, डॉट्स का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया था। और उससे पहले जब ये न्यूज़ें शुरू हुई थी, मैंने एक वीडियो भी शायद डाला था कि क्या परीक्षा निरस्त हो सकती है, और उसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसी फर्जी आदेशों की या बाढ़ आने वाली है तो आप संभाल कर रहे हैं। तो अक्टूबर में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो पढ़ाई होती है, तैयारी होती है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। एक तो फॉर्म फिल में काफ़ी कंफ्यूजन था कि हम कौन सा ऑप्शन चुने, एक्सपीरियंस यदि वर्ग एक का है तो दो में लगा सकते हैं क्या, दो का है तो वर्ग एक में लगा सकते हैं क्या, जबकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, उसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि जो वर्ग दो का एक्सपीरियंस है वो वर्ग एक में नहीं लगेगा या वर्ग एक का वर्ग दो में, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, मीन्स आपको पढ़ाना आता है तो लगा सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं उसमें नहीं पढ़ा। तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप लगा सकते हैं, तो ऐसा ही है दोस्तों। तो वो न्यूज पर इसलिए मैंने नहीं बनाया कि बहुत सारी वीडियो पहले ही बन गए थे, फिर एक भाई ने शायद मैंने अखबार का बनाया था, तो उन्होंने कहा सर आप भी व्यू बढ़ाने के चक्कर में ऐसे वीडियो बनाने लगे, अब मैंने कहा इस पे बनाऊंगा तो भी फिर ऐसी कमेंट्स आएंगी, तो मैंने फिर बनाया ही नहीं। भाई आप लोगों को पता तो चल ही गया बहुत से वीडियो आ जाते हैं, तो फिर मैंने उस पर वो बनाया नहीं दोस्तों, तो ऐसा ही रहता है दोस्तों। पहली इनाम जो मुझे मिली थी मेरे कॉलेज से शतरंज के लिए, मैं शतरंज के लिए जिले लेवल पर सिलेक्ट हुआ था फर्स्ट में, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मुझे ये फर्स्ट प्राइज मिला था। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर ये हर साल होते हैं जो आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स, तो उसमें मैं हमेशा चेस में भाग लेता था, और शतरंज मेरी जो है वो बहुत कमाल की है कि मुझे कोई अधिकतर आसानी से बीट नहीं कर पाया उसमें, और हमेशा मैं खेलता हूँ। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे ये मिला था दोस्तों, और इसकी आप हालत देख रहे हो कि ये निकल रहा है पूरा, इसे मैं चिपकाऊंगा।
तो ये मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे मिला था और काफ़ी। और फिर हुआ क्या दोस्तों कि जैसे भाषण प्रतियोगिता हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें मैं अक्सर लेता था। भाषण प्रतियोगिता का शायद आपको ऊपर दिख रहा होगा, वो ट्रॉफी रखी हुई है, तो वो मुझे भाषण प्रतियोगिता मिली अक्सर। तो जो हमारा ये बैठक का कमरा था, मतलब ड्राइंग रूम कह सकते हो, इसमें मैंने वो सारे अवार्ड और शील्ड जो मुझे मिली थी ना, मैंने सारी जमा दी थी इस पे। मैंने लगा कि ड्राइंग रूम होता है उसे ऐसे ही सजाते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा क्यों दुकान लगाई, आप तो शो कर रहे हो कि इतनी इतनी हमें अवार्ड मिली। तो फिर मैं कन्फ्यूजन में चला गया, मैंने कहा हो सकता है यार लग रहा हो कि दुकान टाइप की लगा दी है और इतने अवार्ड, और क्योंकि जो स्पीच होती थी मैं हमेशा उसमें फर्स्ट या सेकेंड आता था। तो फर्स्ट सेकेंड को हमेशा इनाम दिया जाता है कॉलेज में, तो फर्स्ट सेकेंड हमेशा मैं आता था। प्रिंस मंच होता था जीके का, उसमें मैं अच्छे आता था। और इसके अलावा वाद विवाद होता था, तो उसमें डिबेट में हमेशा मेरे अच्छे आते थे, तो पूरा भर गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि दो यहाँ पे रख दिए अवार्ड्स, दो ऊपर के कमरे में रख दिए, ऐसे ऐसे मैंने बांट दिए। तो ऐसा हो जाता है। अभी तो कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। सर आपका वीडियो, पिछला वीडियो सबसे अच्छा लगा, सबसे हटकर था। थैंक यू यार, सफाई करते करते बना दिया। मुझे लगा कि आप भी मेरे साथ सफाई करवा रहे हो और मकान जमवा रहे हो, तो अच्छा लगा आपसे। और आपका रिस्पॉन्स उस वीडियो पे अच्छा आया, तो मैंने सोचा आज और बना दूं। और सर कोचिंग करनी जरूरी है क्या? नहीं, इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई कोचिंग करनी जरूरी नहीं है। यदि आपके पास अच्छी बुक्स हैं, आपके पास कलेक्शन होना चाहिए बेस्ट बुक्स का। सबसे अच्छी बुक्स मैंने आपको बताई थी कि 6, 7, 8, 9, 10th की जो आपने पढ़ रखी है वो होंगी, और जो आपने एज ए सब्जेक्ट लिया है उस वो 11th और इंटर लेवल की होंगी, तो ये टेक्स्ट बुक। और उसके अलावा मैंने अपने फेसबुक पेज पर बेस्ट बुक्स डाली हैं जो कि अभी इसी कंपटीशन से रिलेटेड है, तो उन्हें भी आप मंगा सकते हो। आपके पास यदि अच्छी बुक्स का कलेक्शन है तो आपको कोई भी कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं। कोचिंग क्लास वाले क्या रहते हैं कि उन्हीं बुक्स में से आपको नोट्स बनवाते हैं। और मैंने अधिकतर कोचिंग क्लास का पढ़ाने का एक तरीका देखा है दोस्तों कि वहाँ पर लिखाते जाना है। जैसे एक खड़े हो जाएंगे और सामने एक बुक्स रख लेंगे या अपने नोट्स रख लेंगे, उसमें से बोलते जाएंगे और सामने वाला लिखता जाएगा, और फिर इसमें ही पूरा टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। तो जो उसका लिखने में मतलब, कोचिंग का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप भले प्रिंट करके उन्हें नोट्स दे दो या कॉपी करवा दो, वहां पर समझा उसको। जैसे हमारे एक सर थे केमिस्ट्री के, इंटर में मैं केमिस्ट्री की कोचिंग में गया, तो वो हमें कभी भी लिखाते नहीं थे, वो हमें प्रिंट करा के नोट्स देते थे और वो कहते थे यहाँ पे तो मैं सिर्फ समझाऊंगा, तो वो बोर्ड्स पे समझाते थे हर एक चीज़। तो वहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी, तो उनका तरीका बहुत अच्छा था, और वो गारंटी से कहते थे कि मेरे यहाँ जो पढ़ रहा है उसके 60% नंबर आएंगे केमिस्ट्री में, और 60% से यदि उसके कम नंबर आते हैं तो साल भर की फीस वो वापस कर देते थे। जो भी आपने साल भर फीस दी वो पूरा वापस करते थे। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसी कोचिंग क्लास यदि है कोई आपके आसपास की जो समझा रही है, लिखा नहीं रही है, समझा रही, नोट्स हो उन्हें प्रिंट करवा के दे दो। तो इसमें क्या रहता है, एक तो समय बचेगा लिखने का, और दूसरा क्या है कि आप उसे समझाओगे ना तो उससे जल्दी याद होता है। और यदि आप सामने से बोलते जा रहे हो, सामने वाला लिखता जा रहा है, तो फिर वो एक अलग ही हो जाता है कि लिखने, तो वो फिर घर में उसके पास वो टेक्स्ट बुक्स है, वो खुद ही नोट्स बना लेगा या बाजार से बुक्स ले आएगा, उसमें लिखा हुआ है उसे याद कर लेगा। तो ये रहता है दोस्तों। तो कुल मिला के यदि आपके पास अच्छी बुक्स हैं तो उन्हें पढ़ते चलो, कोई भी कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं है। बहुत से IAS सिविल सर्विसेज में ऐसे लोग निकले हैं जो कोचिंग क्लास कभी गए ही नहीं है, घर पे अपने बेस्ट बुक्स लिया। हाँ, बुक्स जरूर आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिशन पार कर सकते हो। तो बुक्स आपके पास अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर ही बैठ कर पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये हो जाता है दोस्तों। और मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ कि यार मैं एक पन्नी लेकर आया हूँ, इसमें जो बिछाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये मैं लेकर आया हूँ। तो एक तो ये डिजाइन की है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, एक तो ये है, तो ये अच्छी लगेगी इसमें कि सेकेंड नंबर पे आपको मैं बताऊं, ए नंबर की है ये है, तो ये इसमें अच्छी लगेगी। और तीसरी में लेके आया हूँ ए वाली, ये वाली,
तो ये अच्छी लगेगी। खासकर जो लड़कियों का टेस्ट होता है ना इन मामलों में, सजावट के मामलों में बेस्ट होता है, लड़कों का तो ऐसे ही रहता है। तो मुझे जो अच्छी लगी वो मिले, एक तो मैं ये ला के आया हूँ, तो ये बिछाऊँ कि इसमें ये सुंदर लगेगी आपको कलर के हिसाब से, या ये वाली अच्छी लगेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस हिसाब से इस रूम को सजाऊंगा दोस्तों। और खासकर जो गर्ल्स होती हैं ना, उनकी इस मामले में, सजावट के मामले में उनकी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बड़ी बेहतरीन चॉइस होती है। और कौन सी चीज़ कैसे, अब मेरी जो सजावट का होता है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने स्तर से कि अच्छे से अच्छा सजा सकूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर आप क्या, आपका सपना के सिविल सर्विसेज में जाने का है? नहीं, मेरा सपना सिविल सर्विसेज का तो है, सबका ही होता है, लेकिन उससे बड़ा सपना मेरा एक और है कि मैं फ्री कोचिंग क्लास डालना चाहता हूँ, जिसमें सबको आपको फ्री कोचिंग मिले। माने ऐसा है कि कोई भी मैं जॉब पकड़ लूँगा उससे तो आमदनी होगी, उससे सब काम चलता रहेगा, और साथ में मैं यदि फ्री कोचिंग डाल दूँ जिसमें किसी का रुपये, तो जो गरीब स्तर के बच्चे हैं, क्योंकि कोचिंग क्लास मैंने देखी है अधिकतर बहुत महंगी होती है, अफोर्ड नहीं कर पाती। जिनके पास पैसे हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कभी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और उस चक्कर में वो कॉम्पिटिशन में नहीं रह पाते, और एक चलन सा चल गया है कोचिंग जरूरी है कोई भी एग्जाम निकलना, ये भ्रम है एक तरह का, कोई जरूरी नहीं है कोचिंग क्लास, तो एक भ्रम है कि कोचिंग जरूरी है कोई भी कॉम्पिटिशन। और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ना तो बुक्स का इतना अच्छा होता कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कौन सी बुक्स लेनी है, तो वो बुक्स के अभाव में रह जाते हैं, मेहनत वो बहुत करते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोचिंग की बात आती है, कोचिंग अक्सर महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे बहुत महंगी होती हैं, तो उनका वो रहता नहीं है शहर में रहना और फिर कोचिंग क्लास जाना, तो डबल खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे कंपटीशन हाई हो जाता है। तो यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, बहुत से हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ कि कोई फ्री इंस्टीट्यूट कभी खोलूँ, जब मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊँ कि जहाँ पर मेरा एक सिक्योर जॉब हो गया, उसके बाद जो समय बचेगा, जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, तो इसके बाद आप सब लग जाओगे इस एग्जाम में, और इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फिर वीडियो बनाना नहीं है, उसके बाद फ्री जो समय मिलेगा तो उसमें ऐसा कुछ करूँगा कि विभिन्न कॉम्पिटिशन है उसकी मैं कोचिंग क्लास दे सकूँ। तो वीडियो यही था दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि मैं इसको कैसे सजाऊं, तो उसमें भी हेल्प करें आप लोग। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।